200 फुट की उचाई उत्ते 135 दिन के संघर्ष का नतीजा आखिरकार बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों को मिली गया। सरकार ने इन्हां दे लई 6600 नवीं नौकरी लई भर्ती का ऐलान किया है। इस गल का खुलासा बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने खुद किया है। 135 दिनों तो संघर्ष च शामिल अध्यापक सुरेंद्र पाल की तबीयत नामाज होने कारण अस्पताल च दाखिल भी करवाया गया। दस दईए कि 135 दिन के बाद सुरेंद्र पाल की हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई सी। अध्यापकों ने सरकार के ऐलान से धन्यवाद किया। नाल ही यह मंग की है कि सरकार नौकरी च उम्र सीमा लई भी छुट देवे। इस वक्त की वड्डी जानकारी जिथों 135 दिन का संघर्ष जो है हुण सफल नजर आ रहा है। ईटीटी टेट पास अध्यापकों नूं 6600 नवीं नौकरियां लई भर्तियां दा ऐलान जो है कीता गया ते इस गल दा खुलासा बेरोजगार अध्यापकों ने खुद कीता है। 135 दिनों तो संघर्ष च शामिल अध्यापक सुरेंद्र पाल की तबीयत अचानक खराब हो गई ते हुण जो है वड्डा ऐलान जो है कीता गया 6600 नवीं नौकरी लई भर्ती दा ऐलान कीता गया। ज्यादा जानकारी देने लिए बलिंदर साडे नाल जुड़ गए ने। बलिंदर की लगता है जो संघर्ष इन्ने लंबे समय तो चल रहा सी वो संघर्ष करना भी सफल नजर आ रहा? हाँ जी, कह सकते हैं कि कानून मिल गई है। हालांकि जो अभी कल गलबात की तो उन्होंने ये किया कि सरकार ने जिथे बहुत कुछ देता उसे सरकार तो अभी यह भी गुहार लाने कि जी उम्र की छोड़ दी जाए, जिमें 37 साल तक जी हद जी होंगी है नौकरी लैन की वो 42 साल की जाए, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं ईटीटी टेट पास किए नूं लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, सड़कों से उतर रहे हैं। सो लगता है कि जिहड़े जिन्हां दी उम्र थोड़ी जी वध गई है सरकार उन्हां नूं उम्र दी छोड़ दी जाए ता जो उन्हां नूं भी नौकरी मिल सके ते वो भी अपने परिवार का पालन पोषण जिहड़ा हैगा कर सकन। तो कह सकते हैं कि जिथे ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापकों वास्ते 600 पोस्टां कढ़ियां गईयां ने तो उत्थे ये भी मांग कर रहे हैं कि उम्र दी छोड़ दी जाए। बहरहाल कल जिहड़े हैगे आ ये सारे अध्यापक बड़े खुश नजर आ रहे थे, सरकार का धन्यवाद भी कर रहे थे। ये दस दिए कि जिहड़े कल 200 फुट की उचाई से बैठे थे जिहड़ा उन्हां दा गुरदासपुर सदा उन्हां नूं भी नीचे उतार लिया गया। फिलहाल उहदा जिहड़ा डाक्टरी मुआयना कल करवाया गया सी फिलहाल उहदी सेहत ठीक लगती है। तो कल जिन्ने भी जिन्ने अध्यापक सी इत्थे पटियाले धरने प्रदर्शन करते थे सरकार दे इस फैसले तो खुश होके गए थी ते नाल ये भी उम्मीद जताई थी कि असी आज मीटिंग है अगर मीटिंग दे विच छोड़ दी जाती है तो असी फिर एक बार फिर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करांगे, परंतु सरकार दिंदी है या नहीं दिंदी छोड़ फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अगर गल की जाए 600 पोस्टां नूं लैके जिहड़े ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक तो काफी खुश नजर आ रहे थे। हाँ जी बलिंदर, सरकार वालों कोई ऐलान किया गया, कोई जानकारी मिल रही है, कोई अधिकारी वालों कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है? मैं फिर दसा सानू नोटिफिकेशन जरा ईटीटी टैक्स पेस बेरोजगार थी उन्होंने वालों नोटिफिकेशन जरा वो सानू जरूर भेजा गया थी। नाल खुद वो कह रहे थे भी सरकार वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया नवी भर्ती असामिया का, तो उसनू लैके जिहड़ा हैगा उन्होंने गलबात भी की थी। ता ही वो डेवड़ा धरना जिहड़ा सी जो कि पिछले दसना भी 135 दिन हो गए थे वो टावर के चेहरे पे सीगा जिहड़ा उन्होंने अध्यापक सी। सो नोटिफिकेशन जारी होने तो बाद ही वो नीचे उतरिया, तो फिलहाल सरकारी जिहड़े कोई भी जिहड़ा किसी भी बयान नहीं आ रहा चाहे वह जिहड़ा हैगा विभाग वालों होवे या किसी मंत्री वालों होवे, लेकिन ईटीटी बेरोजगार टेट पास अध्यापकों वालों जरूर यह कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया कि असं खुश हाँ ता ही साडा यह धरना समाप्त किया गया। लेकिन फिलहाल यह जरूर दसना चाहूंगा भी कि जिहड़ा सिक्ख्या विभाग वालों फिलहाल कोई भी इस तरह का जिहड़ा हैगा बयान हले तक नहीं आया। हाँ जी हाँ जी बलिंदर, जानकारी की है कि अध्यापक जो ने हुण खुश नजर आ रहे हैं उन्होंने सारिया मंगा जो ने प्रवान हो गई ने भी कह सकते हैं। 2364 मैं भी दसना चाहूंगा कि 2364 पहला पोस्टा सरकार ने बेरोजगार वास्ते कढ़िया थी, लेकिन 2364 पोस्टा के विच उन्होंने बी एड नूं शामिल कर लिया थी। बी एड टेट पास वालों उन्होंने भी कहा गया कि तुसी यह नौकरी के विच अप्लाई कर सकते हो, तो उसनूं लैके भी काफी बेरोजगार जिहड़े ईटीटी सी वो भी दुखी नजर आते थे भी आखिरकार 2364 जे साडे वास्ते पोस्टा कढ़िया तां तुसी बी एड नूं क्यों विच इंटरफेयर कर दे रहे हो। तो वो गल्लां नूं लैके भी जिहड़ा हैगा लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इन्हां दा कहना बेरोजगार ईटीटी टेट पास का कहना है कि सानू 600 पोस्टा ये पहली बार होया पंजाब दे विच के भी सानू एडे वड्डी गिणती दे विच पोस्टा दा नोटिफिकेशन कढ़िया गया हैगा, तो जिसनू लैके बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने दो चीज मांग की है भी 2364 के जिहड़े बी एड वालों उन्होंने भी जिहड़ा हैगा ना इंटरफेयर किया जाए, सिर्फ 2364 पोस्टों में बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों ही नौकरी का या उन्होंने जिहड़ा हैगा टेस्ट लिते जाए। दूजा
नौकरी जिहड़ी हैगी है उम्र दे विच छोड़ दित्ती जावे, 5 साल दी घट्टो घट्ट छोड़ जिहड़ी नौकरी दित्ती जावे, सॉरी माफ करना उम्र दी छोड़ दित्ती जावे, तां जो जिहड़े लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं 4 साल तो उन ओह जिहड़े है उन्होंने भी नौकरी मिल सके। बहरहाल सरकार वल्लों फिर बहुत-बहुत धन्यवाद बलिंदर तमाम जानकारियां लई।